6 अप्रैल को जो श्री हनुमान जी महाराज का पावन जन्मोत्सव है, पिछले वर्ष पूरे पानीपत में एक ऐतिहासिक प्रेरणा बना वह उत्सव, और इस वर्ष हमें विश्वास है कि यह उत्सव जो है ये समता, समरसता और सद्भावना की एक अनूठी प्रेरणा बनेगा, एक ऐतिहासिक प्रेरणा बनेगा, क्योंकि इस उत्सव में सब संस्थाएं एक साथ आगे बढ़ रही हैं, इस उत्सव में सबको जोड़ करके चला जा रहा है, पानीपत नगर के सभी लोग सब प्रकार के स्थितियों को पीछे करके एक ही लक्ष्य लेकर के जब एक साथ चलेंगे तो हमें लगता है कि पानीपत का यह गौरव श्री हनुमान जन्मोत्सव का ये पूरे भारत और पूरे विश्व की एक समता की अनूठी प्रेरणा बनेगा। आज काफ़ी हर्ष का विषय है, जैसे परम पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज की सानिध्य में 6 अप्रैल को डेट की घोषणा की गई। अब ये देखो कितना उत्साह है संस्थाओं में, जो हमने एक छोटे से निमंत्रण दिया और वो सारे साथ देने के लिए तैयार खड़ा है, पूरा शहर तैयार खड़ा है साथ देने के लिए। आपने पिछले साल भी देखा था कितना उत्साह था, भगवान ने चाह इस बार उत्साह उससे डबल होगा। जैसे कृष्ण जी ने बोला, इस बार हमें भी उम्मीद है कि जो हनुमान स्वरूप मूर्ति उठाते हैं पहले से वो दूनी तादाद में होंगे। अब जो बात की आपने रूट की, पहले तो ये कहना चाहूँगा आपने खुद इतना उत्साह देखा, आज आगाज ऐसा है तो अंजाम कैसा होगा ये तो आप खुद देख लेंगे। सभी शहरवासियों से निवेदन, हाथ जोड़कर पूरा दिन उस दिन काम धंधे भूल जाएं, 6 अप्रैल को दुकानें बंद कर दें, काम फैक्ट्रियाँ बंद कर दें, सारा शहर सड़कों पे होना चाहिए, ऐसी मेरी सबसे प्रार्थना है। इस बार का जो रूट है भीमगोड़ा मंदिर से स्टार्ट करेंगे हम, उसके बाद सेठी भवन चौक, अमन भवन चौक, पचंगा बाजार, चौड़ा बाजार, सरदारगंज गेट से होते हुए देवी मंदिर, देवी मंदिर में महा आरती होगी, वहाँ सत्संग होगा, महा प्रसादम होगा, ऐसी सबसे उम्मीद है, सबसे प्रार्थना है शहरवासियों से कि पूरा सहयोग करें, उससे सब मतलब पूरा शहर उस दिन हनुमानमय राममय कर दें। धन्यवाद। सभी मंदिर पानीपत की सभी बिरादरियों के मंदिर हैं, पानीपत में जो भी धर्मस्थल हैं वो सभी बिरादरियों के हैं, सभी बिरादरियाँ, सभी जातियाँ, सभी उपजातियाँ। अभी महाराज जी ने आह्वान किया है कि आप किस जाति के हैं, किस क्षेत्र के हैं, किस वर्ग के हैं, सब बातें भुला दो, आप हिंदू हो ये बात ध्यान करके हनुमान जन्मोत्सव मनाओ। हर व्यक्ति अपनी संस्था के माध्यम से, अपनी जाति के माध्यम से छोटे छोटे आयोजन करता है, एक अच्छी बात है, होने भी चाहिए। महाराज श्री ने आह्वान किया है अभी कि आप इन सब बातों को भुलाकर समस्त नगर के हिंदू एक साथ एक मंच पर हनुमान जी की आस्था करें। 6 अप्रैल को हनुमान जन्मोत्सव की आज डेट लॉन्च, यहाँ पर सनातन धर्म संगठन के अध्यक्ष और रघुनाथ मंदिर के अध्यक्ष श्री रमेश माटा जी, कृष्ण कृपा से हमारे सूरज दुरेजा जी, सबको रोशनी से सतबीर गोयल जी, ये साथ सारी पानीपत की लगभग 45 संस्थाएं ऊपर थी जिन्होंने एक साथ घोषणा की है। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप इन संस्थाओं से जो भी हनुमान जन्मोत्सव में काम करना चाहे आगे आना चाहे, और वो आगे आकर काम करे, किसी भी मर्जी ओहदे को वो ले आकर काम करे। बिल्कुल हम पूरे नगर को निमंत्रण दे रहे हैं, क्योंकि हनुमान जी की धरती है, हनुमान जी के लिए काम करना है। और इस बार बहुत बड़ा आयोजन देवी मंदिर में हमारे अध्यक्ष महोदय ने निवेदन किया है कि भाई हम वहाँ करेंगे। जय श्री राम। 6 अप्रैल को दोपहर को 3 बजे से लेके 7-8 बजे तक जो समापन होगा देवी मंदिर में होगा, और इसमें इस कार्यक्रम में पानीपत की सभी धार्मिक, सामाजिक और व्यापारिक सभी तरह की जो संस्थाएं हैं वो सभी इस कार्यक्रम में भाग लेंगी, और अपने आप में ये जो कार्यक्रम होगा ये कार्यक्रम नहीं, एक उत्सव होगा। और मेरी सभी की ओर से, जितने यहाँ सभी आयोजक खड़े हुए हैं, सभी की ओर से पानीपत की जनता को करबद्ध प्रार्थना है कि इस कार्यक्रम को एक उत्सव के रूप में मनाएं, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है अगर हम लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो उससे बड़ा ही एक पुण्य होता है और मंगल होता है, और अगर हम हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाएंगे तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि क्या होगा, क्योंकि पिछले साल भी जो हनुमान जन्मोत्सव मनाया गया था, पानीपत की जनता की ने जो उसमें सहयोग किया था और बढ़ चढ़ के भाग लिया था, विशेष तौर पे पानीपत की सभी
हनुमान से जो सभाएं हैं उनकी ओर से जो मूर्ति उठाकर पानीपत के उस शोभा यात्रा में शहर का भ्रमण किया गया था, और इस बार तो इतना उत्साह देखने को मिल रहा है बजरंगबली जी की कृपा से। वो जो पिछली बार संख्या थी हनुमान स्वरूपों की, इस बार वो जरूर दुगनी होगी। और एक और छोटी सी मैं प्रार्थना करना चाहूँगा सनातन धर्म संगठन की तरफ से, दशहरा कमेटी की तरफ से, सबको रोशनी फाउंडेशन से की तरफ से, और श्री कृष्ण कृपा मंदिर की तरफ से, जियो गीता की तरफ से, कि जो भी हनुमान स्वरूप हनुमान जी का स्वरूप धारण करें, जो भी व्यक्ति करें, उनसे एक प्रार्थना है कि हनुमान जयंती से पहले 5 दिन का, कम से कम 5 दिन का व्रत जरूर धारण करें, क्योंकि इससे मर्यादा भी बनी रहेगी और धर्म भी बना रहेगा। और आप सभी के सहयोग से, खासकर मीडिया के सहयोग से, इस कार्यक्रम को और ऊंचाइयों तक पहुंचाया जाएगा। इसमें पानीपत की पिछले साल भी जनता ने बहुत मिल के भाग लिया था, और आगे भी यही आशा करते हैं।